प्रार्थना पवन टीवी देख रहे सारे दर्शकों नू मेरे यानी चांद वालों जय यीशु मसीह दी। प्यारे दर्शकों, अज एक बार फिर तो मैं तुहाडे रूबरू हाजिर हाँ क्रिसमस दियां खुशियां अते संगीत दे आनंद नाल भरपूर प्रोग्राम क्रिसमस कैरल क्वायर कंपटीशन लैके। जी हाँ दर्शकों, बीते कुछ लगातार दिनों तो तुसी देख रहे हो कि किस तरह इस कंपटीशन दे विच हर एक टीम ने किन्ने सोहणे अते सुरीले ढंग दे नाल प्रभु की महिमा का गुणगान किया। सो दर्शको, अज एक होर नवा एपीसोड तुहाडे लई लैके आए हाँ। अज हाँ असी धारीवाल शहर दे विच किस तरह इस इलाके दीआं टीमां ने इस कंपीटीशन विच अपना प्रदर्शन किया। आओ हुण देखदे हाँ साडे इस प्रोग्राम की पहली टीम नूं, जो कि है सेंट फ्रांसिस चर्च गुरदासपुर तो। रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पैदा हुआ मुक्ति दाता हमारा, जमीन पे गडरियों को दिया इशारा, पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें एक गौशाला। फरिश्तों ने आके जमीन पे गडरियों को दिया इशारा, आए थे तारे के पीछे मजूसी भी सर को झुका के शिक्षक यीशु को ही माने। देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के पीछे सिजदा किया
बहुत गुड कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, सॉन्ग सिलेक्शन इज वॉज वेरी गुड, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड. बस एक जरा जी रह गई परेशानी वो यही सी जो ते लोअर नोट्स आते थे तुम बिल्कुल थले डिग पे ना. चलो कोई नहीं, अच्छा लगा, मज़ा तो आया, लेकिन थोड़ा जहा हल्का जहा सू फील होया कि उत्थे नहीं सी इदा होना चाहिए. जो तुम अगर फाइनल पहुँचते हैं 14 तरीक लिए तो बहुत प्रैक्टिस की लड़ है, बहुत कोऑर्डिनेशन की लड़ है, क्योंकि उत्थे पहले ही तुम फ्रांसिस जी भी दस चुके हैं भी बहुत अच्छी अच्छी टीम्स जड़िया है वो चुनी जा चुकी हैं उस कॉम्पीटिशन के लिए फाइनाले के लिए. तो अगर तुम पहुँचते हैं उस फाइनल के बहुत मेहनत करने की लड़ है कि अजे समा है, और अगर तुम पहुँचते हैं अच्छी परफॉर्मेंस उत्थे दे सको और खुदा की महिमा हो सके. जिस तरह ये दसिया कि जिहड़ा ये राउंड है ये असी कोई अज फस्ट सैकेंड थर्ड नहीं करना, सिर्फ एक फाइनल की तैयारी वास्ते आप सारिया सूझबूझ नाल तुहानू गल्लां दस दिंदे कि जिहड़ी इत्थे कमी रह गई है वो नैक्सट अगे ना हो, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए. बाकी सोंग सिलेक्शन प्रेजेंटेशन वॉज वेरी गुड. सो दर्शको ए सी सेंट फ्रांसिस चर्च गुरदासपुर की टीम, तो हूँ असी देखते हैं सेंट ट्रेसा चर्च धारीवाल तो.
ਸਮਾਈਲ ਗਾਇਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਟੇਸਟ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਰਿਦਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰਿਦਮ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਏਫੁਲ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਏਫੁਲ ਰਿਦਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲੋ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਡਰੈਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਸਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਟੋਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਰਿਦਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕੋ ਅੱਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸੀ ਸੇਂਟ ਟਰੈਸਾ ਚਰਚ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਚਰਚ ਬਟਾਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੁਹਾਨਾ ਦੇ
बहुत मेहनत की थी है ना बच्चे ने और अच्छा कोऑर्डिनेशन दे नाले गीत गाया तो ओवरऑल बहुत अच्छा तुसी बच्चिया ने परफॉर्म किया वेल डन और तुसी सर तैयार कराया तुहानू भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत वधिया सारा कुछ बहुत वधिया लग्या लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी जी ना स्टार्टिंग दे विच कहिंदे ने कि एंडिंग ते स्टार्टिंग ते एंडिंग दो चीज़ां हुंदियां जिहदे विच इंप्रैशन बनता तो वो मैं सर तुहानू नैक्सट राउंड दे विच अगर बच्चे जाते हैं और मैं तो दिलों इच्छा रखता कि सारे बच्चे अगले राउंड च जान और अगले राउंड से तुसी थोड़ा जा इस चीज़ पर ध्यान रखना कि थोड़ा जॉयफुल कॉम्पोजिशन होवे टोटल क्रिसमस सीजन तुसी डिक्लेयर किया आज क्रिसमस नज़र आ रहा सामने ये क्रिसमस दी अपना जो प्रेजेंटेशन और जो लुक है वो वास्ते जोरदार तालियां और बच्चों की सिंगिंग क्वालिटी नो डाउट किसी वड्डे तो घट नहीं सी हाई नोट्स बहुत वधिया लाए इन्होंने मैंने लग्या सी भी कितने कोई रह सकता बट हाई नोट्स के उत्ते इन्होंने पूरा जोर लाता एन बिल्कुल बैलेंस रख के बहुत वधिया सर लिटल चैंप ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो जिस तरह स्टार्टिंग दे विच दीप चंदी च 14 मादरे च गाना बच्चों लिए बहुत अच्छा लाजवाब रहा बहुत वधिया लगा बाकी जिदा डैनिस जी ने जिहड़ियां गल्लां दा दस्या उन्हां बारे जरूरी नहीं कि मैं भी कहना चाहवांगा उन्हां बारे गौर फरमाना ओके ऑल ओवर वेल सो दर्शको एसी सेंट फ्रांसिस चर्च बटाला जूनियर दी टीम ते हुण असी देखांगे सीनियर दी टीम
मसीहा नहीं होता, कोई शख्स गुनाह से आजाद नहीं होता, बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है, अजीब हस्ती बना हुआ है, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है, खुदा की रूह का वो देखो साया, खुदा की रूह का वो देखो साया, मसीह के घर पे बना हुआ है, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है, अजीब हस्ती बना हुआ है, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है, फरिश्ता आया मायूसी है गडरिये आकर के कह रहे हैं, कह रहे हैं सलाम है तुझको तूने है मरियम, सलाम है तुझको तूने है मरियम, खुदा का बेटा जना हुआ है, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है, एक बालक है फिर भी अजीब हस्ती बना हुआ है, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है, वो देखो गौशाला का नजारा मसीह ने आकर बदल दिया, बदल दिया।
बालक है फिर भी लेक अजीब हस्ती बना हुआ है, वो एक बालक है फिर भी लेक अजीब हस्ती बना हुआ है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी सी, लेकिन आप टेक्निकल गल्लां करांगे जिस तरह मैं पहले भी दस्या थोनों कि आप फाइनल दे लई तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ टेक्निकल गल्लां कर लिए ताकि आप फाइनल दे विच उन्हां चीज़ां नूं जाणीए ताकि अगे दे वास्ते वधिया तैयारी हो सके। क्रिसमस कैरोल तुसी समझ सकते हैं ना कि किस तरह की हुंदी है, वो चीज़ लैके आओ तो ज़्यादा वधिया रहेगा। बाकी मेरे ब्रदर दस्सणगे की है। बहुत वधिया, तुसी अगर क्वाली की गल कही जाए, क्वाली कितें कंपीटिशन हुंदा फिर तां क्या ही बात सी, फिर तां तुहानूं होर भावें पूरी रात सुणदे रहिए बड़ा मज़ा आएगा, है ना। बहुत वधिया क्वाली तुसी गाई है, ऑल द बेस्ट। मैं सोचता कि तुम अगर आने फाइनल दे विच तो अच्छा कंपीटिशन तुहाडे वल्लों देखण नूं मिलेगा। धन्यवाद। एक गल बहुत अच्छी लगी जिहड़ी कि जिस तरह आशीष जी ने ते डैनिस जी ने दस्या कि जे किथे क्वाली दी जगह ग्रुप सोंग हुंदा तो उहदे विच सानूं अच्छी गल इह लगी तुहाडी कि सारयां नूं तुसी ग्रुप सोंग च हर किसे नूं गाउण दा अग्गे आ के मौका दित्ता। नहीं तो कई वारी की हुंदा कि हुंदा ग्रुप सोंग है बट वो एक सोलो बन के रह जाता, वो मेन जिहड़ा काम हुंदा मेन परफॉर्मेंस एक सिंगल मैन दे उत्ते आ के टिक जाती है, बट इहदे विच लड़कियां ने भी सारिया ने मतलब बखूबी इसनों गाया ते बाकी सब अच्छा लगा सारा ठीक है। सो दर्शको ये साडा अज दा प्रोग्राम, उम्मीद है थानू बेहद पसंद आया होगा। सो मिलांगे अगले एपीसोड विच, तद तक मैनू यानी चानू दिओ इजाजत, देखते रहो प्रार्थना।